हेलो एवरीवन, एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा से रिलेटेड दूसरा पार्ट पढ़ेंगे क्लास 9th आरएमएस और सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी अलजेब्रा के और उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट की बात की थी, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट और फंडामेंटल ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। तो आज हम अगला जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से जो नया टॉपिक आता है आइडेंटिटी, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा में आज। तो देखिए, हमारा जो ऑपरेशन है वो थर्ड ऑपरेशन है और उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए, मल्टीप्लाई आप बचपन से ही करते आए हो, तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको साइन रूल बता देता हूँ इंटीजर्स में, जो आपने फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़े होंगे इंटीजर्स, तो वहां पे कुछ साइन रूल होते हैं, तो वो अलजेब्रा में भी एज इट इज रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन में, तो जब भी हम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो हमें प्लस साइन मिलेगा। सेम साइन से मतलब क्या है, या तो साइन प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए माइनस का 4 और माइनस का 6, ये दो नंबर थे, दोनों माइनस के थे और इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें 24 प्लस का मिलता है, और प्लस का साइन लगाने की हमें जरूरत होती नहीं। तो आपने देखा सेम साइन, माइनस माइनस भी क्या हुए, प्लस हुए। चाहे हम 4 और 6 यानी कि प्लस प्लस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, सेम साइन होगा ये भी, तो यहाँ पे भी 24 आता है। तो आपने देखा जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें प्लस का साइन मिलता है। ऐसे ही हम जब अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3x माइनस के 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें प्लस का साइन मिलेगा। सबसे पहली बात हमारी ये है। दूसरी बात करते हैं हम जब अपोजिट साइन का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें माइनस साइन मिलेगा। कौन सा साइन मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा। देखिए, सपोज कीजिए हमने माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, तो देखा आपने यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है। अब दोनों साइन जब अपोजिट है, यानी एक दूसरे से अपोजिट है, तो हमें साइन कौन सा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, माइनस का 24। तो इस तरह से देख सकते हो, जब एक प्लस एक माइनस हो तो हमें क्या मिलता है, माइनस का साइन मिलता है। यानी अपोजिट साइंस का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मिलेगा, सेम साइन का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा। तो ये इंटीजर से रिलेटेड बात थी, इसी का हम किसमें यूज करने वाले, अलजेब्रा में यूज करने वाले। तो एक तो आपको अलजेब्रा के मल्टीप्लीकेशन के लिए इंटीजर्स का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट, दूसरी हमें क्या चीजें लर्न होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, अलजेब्रा के लिए, तो आपको पावर्स का नॉलेज होना चाहिए। पावर और एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए मैं एक्स को और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमने पढ़ा था पावर्स में कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। यहाँ पे पावर 1 और 1, 2 और 3, तो एक्स की पावर 3 हो जाता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अलजेब्रा के इजीली। यानी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, एड। जैसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 3 से, तो बेस सेम है तो पावर एड होके एक्स की पावर 5 हो जाएगी। स्टूडेंट, अगर बेस डिफरेंट हो, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपने देखिए बेस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो बेस सेम नहीं है तो पावर एड नहीं होगी। कभी आप एक्स वाई की पावर 4 कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एज इट इज लिख देंगे वाई स्क्वायर को। तो याद रखिएगा, बेस सेम होगा तभी पावर ऐड होगी, अगर बेस डिफरेंट है तो पावर ऐड नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पावर का, वो हम अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन में यूज करने वाले। यानी हमें साइन रूल पता होना चाहिए, पावर रूल पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि टर्म्स में लाइक टर्म्स ही ऐड होती है, एडिशन, और जो दूसरा ऑपरेशन था हमारा सब्ट्रैक्शन, उनमें हमने सिर्फ यही बात की थी कि लाइक को ही ऐड किया जा सकता है और लाइक टर्म को ही क्या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि लाइक में से
सॉरी अनलाइक जैसे x और x स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि लाइक में से लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे 3x स्क्वायर है तो इसमें से हमारा x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों लाइक है क्योंकि वेरिएबल पार्ट क्या है सेम है, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करके 2x स्क्वायर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि लाइक में से लाइक को ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लाइक में से अनलाइक को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना ही हम ऐड कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लीकेशन में जो बात करने वाले हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में लाइक और अनलाइक दोनों को ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लाइक से लाइक को भी किया जा सकता है, लाइक से मतलब अनलाइक को भी क्या किया जाता है किया क्या सॉरी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट जैसे कि अब हम दोनों जो अभी हमने बताया था पावर रूल और साइन रूल दोनों का यूज करके मल्टीप्लाई करना देखते हैं। सबसे पहले मैं मोनोमियल ले लेता हूं जिसमें एक टर्म होती है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस मोनोमियल की हम बात करते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज कीजिए मैंने 3x स्क्वायर और मान लीजिए हमने ले लिया 2x स्क्वायर ले लिया, सबसे पहले हम लाइक ही ले लेते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि दोनों लाइक है तो ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन में चाहे लाइक हो अनलाइक हो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते समय में क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें कांस्टेंट जो पार्ट है उनका मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6। अब हम वेरिएबल पार्ट पे चलेंगे तो हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा बेस सेम है तो पावर एड हो जाएंगे एक्स की पावर 4, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 6x की पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में हमें याद रखना है कांस्टेंट पार्ट का मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद वेरिएबल पार्ट का क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं, ये मोनोमियल था, एक और ले लेते हैं मोनोमियल का एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 1/2 x^2 y मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपको 3/4/7 x^y² इससे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट का मल्टीप्लाई करना है 1/2 x^4/7, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2/7, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट पार्ट था उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है 2/7। अब हम वेरिएबल पार्ट की करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई और मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई स्क्वायर के साथ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो एक्स बेस सेम हो जाएगा तो पावर एड हो जाएंगी तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे यहाँ पे वाई की पावर 1 यहाँ पे वाई की पावर 2 वाई की पावर 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हमें सबसे पहले साइन रूल पता होना चाहिए, पावर रूल पता होना चाहिए, उसके बाद हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई लाइक हो चाहे अनलाइक हो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट पार्ट का मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद वेरिएबल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा मोनोमियल था, अब अगर हम मोनोमियल को किसी बायनोमियल एक्सप्रेशन से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए किस तरह से किया जाता है, तो हम कोई यहाँ पे मोनोमियल ले लेते हैं मान लीजिए 4x^2 और यहाँ पे हमने दूसरा बायनोमियल ले लिया x+2, तो ये हमारा मोनोमियल था ये बायनोमियल है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करें, तो देखिए सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई भी हमारा साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई है क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये किससे इससे क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले 4x² इसके साथ होगा फिर दोबारा से ये इसके साथ होगा, तो सबसे पहले 4x² को x के साथ करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट देखेंगे इसका 4 है और इसका क्या है 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 4 को 1 से किया तो 4x² और x की पावर 1 को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3, तो ये 4x³ आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको इससे करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाई होंगे 4 2 8 प्लस का प्लस साइन आएगा 4 2 8, यहाँ पे x² है यहाँ पे वेरिएबल पार्ट नहीं है तो x² एज इट इज आ जाएगा 8x², तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कि अगर हमें मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो जो मोनोमियल है उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके साइन के साथ क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो इस तरह से हम मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ भी कर सकते हैं, ट्राइनोमियल के साथ भी कर सकते हैं, और पॉलिनोमियल यानी कितने भी टर्म्स हो कर सकते हैं, यानी कि जो मोनोमियल है वो सबके साथ वन वन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मान लीजिए 3x plus 4 है, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल है, और इसको मान लीजिए हमको किसी बाइनोमियल के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए हमने किया इसको x plus 3 के साथ, ये हमारे दो बाइनोमियल है, इनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, ये जो हमारा पहला टर्म है इसका वो इसके पहले टर्म से होगा, फिर इसका पहला टर्म, फिर इसके दूसरे टर्म से करेंगे। सबसे पहले इस टर्म को हम इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x को x के साथ किया तो 3x स्क्वायर, फिर 3x को 3 के साथ किया तो क्या हो जाएगा, 3 को 3 के साथ किया तो 9, और x एज इट इज आ जाएगा, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम 4 को करेंगे, सबसे पहले इसके साथ करेंगे, तो 4 को x के साथ करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4 को x के साथ किया तो 4x, क्योंकि इसका कांस्टेंट पार्ट 4 है, इसका 1 है, तो 4 into 1 4 हो गया, और इस यहाँ पे वेरिएबल पार्ट x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो x को 1 के साथ किया तो x आ जाएगा। अब हम 4 को फिर किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये 9x 4x लाइट टर्म है, और हमें पता है कि लाइट टर्म क्या हो जाती है, एड हो जाती है, तो हम इन्हें एड करके लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो इसका पहला टर्म है वो इसके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका जो पहला दूसरा, ये जो दूसरा टर्म है इसके दोनों टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम बाइनोमियल का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे थ्री टर्म्स हो और भी टर्म्स हो, यानी कि ट्राइनोमियल हो, जैसे कि ये है, तो इसका अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है बाइनोमियल के साथ, चाहे कितना भी टर्म हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि हम इसके ईच टर्म को इसके ईच टर्म से क्या करते हैं, वन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, थ्री टर्म्स के साथ, 3x को x स्क्वायर के साथ किया तो इसका कांस्टेंट पार्ट 3, इसका 1, तो 3 को 1 से किया तो 3, और इसका x स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो 3 हो जाएंगे x की पावर 3। फिर 3x को हम किसके साथ करेंगे, 3x के साथ, तो 3x को 3x के साथ करेंगे तो क्या जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 को 3 के साथ किया तो 9, और x को x के साथ किया तो 1 पावर 2 हो गई। फिर 3x को फिर 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो ये हमने 3x को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 4 टर्म्स होती तो और 4 इसको 4 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते। अब हम बात करते हैं 4 की, तो इसको पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, और फिर इसके साथ करेंगे। तो 4 को 4x के साथ, x स्क्वायर के साथ किया तो 4x स्क्वायर, इसके साथ किया तो 12x, और इसके साथ किया तो 16। अब हम लाइक को क्या कर देंगे, एड कर देंगे, तो 3x क्यूब 9x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जैसा ये रहा तो ये दोनों लाइक हो गई, फिर x क्यूब जैसा कोई है नहीं तो एज इट इज लिख देंगे, इसका लाइक ये है तो 9 और 4 13, x स्क्वायर के x स्क्वायर 12x और 12x दोनों लाइक है, इनको ऐड कर देंगे 24x और 16 का 16। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, कितने भी टर्म हो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको इधर भी ट्राइनोमियल हो तो इसके तीनों टर्म्स, इसकी फर्स्ट टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म भी थ्री टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, और थर्ड टर्म भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर हम ऐड करके इनको लिख देंगे। यानी हम किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वन टर्म वाला हो, चाहे टू टर्म वाला हो, चाहे थ्री टर्म वाला हो, चाहे 4, 5, 6, कितने भी टर्म वाला हमारा मल्टीप्लीकेशन है, तो हमारा जो रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है, यानी कि जो फर्स्ट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म सेकंड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी,
उसकी दूसरी टर्म भी सेकंड एक्सप्रेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, जितनी भी हमारी टर्म्स है वो उसके सारे टर्म्स से क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। बाद में जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम लाइक जो हमारे टर्म्स है उनको ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर हमें इस तरह से मिल जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका मल्टीप्लाई हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें साइन रूल पता होना चाहिए, उसके बाद पावर रूल पता होना चाहिए, फिर हमें यह पता होता है कि भाई लाइक हो चाहे अनलाइक मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 2n प्लस माइनस n बाय माइनस 3n प्लस माइनस 5 को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हमारा बाइनोमियल हो गया एक, ये हमारा क्या हो गया बाइनोमियल, और दूसरे बाइनोमियल के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 3m प्लस माइनस के। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे थोड़ा साइंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2m था, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इसके बाद हमारा इधर माइनस का 3m एज इट इज रहेगा और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे 5। तो हमने जो डबल डबल साइन हमें दिखाई दे रहे थे इनको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ये बाइनोमियल है, इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सेकेंड टर्म एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यानी इसके दोनों टर्म्स के साथ वन मेन टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले 2m को हम 3m के साथ करेंगे। तो देखिए ये तो 2m है और ये किसका है, माइनस का 3m है। तो सबसे पहला तो हमारा क्या भाई, साइन रूल है। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस, अपोजिट साइन हमेशा माइनस देते हैं, तो ये हमने माइनस लगा दिया। फिर हम देखेंगे कि इसका कॉन्स्टेंट पार्ट 2, इसका कॉन्स्टेंट पार्ट 3, तो 2 3 6 होते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, पावर रूल। पावर रूल में क्या है, यहाँ पे m, यहाँ पे m लाइक टर्म है, तो ये पावर है जो ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो m1 m m की पावर 1 m की पावर 1 तो m की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो हम माइनस के 6m स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहले, माइनस के 6m स्क्वायर। अब हमारे किसके साथ होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस आ जाएगा, 2 को 5 के साथ किया 10 आ जाएगा, m एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो 2m है ये इसके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो दूसरा टर्म है इसके दोनों के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस सेम साइन हो गए, सेम साइन क्या देंगे प्लस, ये माइनस सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस मिलता है। एम को 3m से करना है तो इसका 3 इसका 1 3 हो जाएंगे और इसका m इसका n mn हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेस सेम नहीं होते तो पावर ऐड नहीं होती है, तो mn ही लिखा जाएगा इसको। अब हम इसका जो ये टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस सेम साइन प्लस देंगे, और n को जब 5 से मल्टीप्लाई कर सॉरी इसका 1 इसका 5 5 हो जाएगा और n एज इट इज आ जाएगा। अब हम इनको क्या कर देंगे, एक सीरियल में लिख देंगे, चाहे ऐसे ही लिखा लेने दो क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म तो है नहीं जो जो ऐड होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो मोस्टली जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम साइन रूल देखते हैं, उसके बाद पावर रूल हमें आना चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बाय 5x प्लस 2, ये बाइनोमियल है ये ट्राइनोमियल है। तो स्टूडेंट हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, हम आपने पहले भी देखा होगा, हम जो जिसमें कम टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वालों को, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको 5x प्लस 2
का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 2x² - 3x + 5। हमने इसको फर्स्ट पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम इसके थ्री टर्म्स को इसके टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हम कम टर्म वाला आगे लेते हैं और ज्यादा टर्म वाला मोस्टली पीछे लेते हैं, बाकी आप कैसे भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इसका जो ये टर्म इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसका दूसरा टर्म इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो देखिए 5x को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साइन रूल में प्लस प्लस सेम साइन, तो प्लस ही आएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। 5 × 2 = 10, x^1, x^2, तो x^3 हो जाएगा। फिर 5x को इसके साथ करेंगे तो अपोजिट साइन माइनस देंगे, 5 × 3 = 15 और x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर 5x इसके साथ होगा तो 25 और x, देखिएगा सेम साइन थे तो प्लस आया, 5 को 5 से किया 25 और x एज इट इज आ गया। अब हमारे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 जब 2x² के साथ होगा तो 4x², 2 को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6x और 2 को इसके साथ करेंगे तो 10। अब हम देखेंगे कोई लाइक टर्म हमें है तो उनको ऐड कर देंगे, तो हमने देखा x² है तो ये ऐड हो जाएंगे, xx भी है ये भी ऐड हो जाएंगे, तो सबसे पहले 10x³ आ जाएगा, इसके जैसा कोई नहीं है तो कोई भी ऐड नहीं होगा इसमें, एजिट ही जा जाएगा। माइनस के 15x² और प्लस के 4x², जब माइनस और प्लस अपोजिट साइन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 15 में से 4 गए तो क्या बचा, 11, और 11 किसका बचेगा, माइनस का, तो 11x². अब हम देखेंगे 25x माइनस के 6x, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 25 में से 6 गए तो 19x बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है और प्लस का 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि भाई किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, और सिंप्लीफाई में हमें दे रखा है 3 बाइनोमियल दे रखे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं, कुछ नहीं, आप इनको सबसे पहले लिख लीजिएगा 3x - 2x - 1 और 3x + 5, लिख लिया। अब हमें तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई तो आता नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका जो आएगा उसको थर्ड के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने 3x को x के साथ किया तो 3x², 3x को 1 के साथ किया तो माइनस का 3x, 2 को इसके साथ किया तो माइनस का 2x, 2 को -1 के साथ किया तो प्लस के 2, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया, और इधर क्या आ गया, 3x + 5 एज इट इज है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक है उनको ऐड कर देंगे, तो 3x² - 5x + 2, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3x + 5 के साथ। तो स्टूडेंट इसको पहले ले आएंगे हम, वैसे लाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ऐसे कर सकते हो, बाकी हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसके साथ 3x + 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोबारा से इसके ये जो फर्स्ट टर्म है इसके तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी ये टर्म दो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x को 3x² के साथ करेंगे तो 3 को 3 से किया तो 9, x को x² के साथ किया तो x³, और 3x को फिर इसके साथ करेंगे तो ये प्लस माइनस अपोजिट साइन माइनस देंगे, 3 को 5 के साथ किया तो 15, x को x के साथ किया तो x², फिर 3 को इसके साथ करेंगे 2 के साथ तो 6x, 3 हो गया तीनों के साथ। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सबसे पहले इसके साथ होगा तो 15, 5 × 3 = 15x², फिर 5 को इसके साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 = 25x, और 5 के 2 के साथ किया तो 10। अब हम देख लेंगे कोई लाइक टर्म है तो उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने देखा x² प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 बचेगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 9x³, ये प्लस के 6x, ये माइनस के 25x, तो 25 तो 19 बच जाएंगे, माइनस के 19x और प्लस का 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप और भी किसी भी बुक से मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन से एक नया टॉपिक आता है आइडेंटिटी,
एक्चुअल में क्या होती है, देखिए आइडेंटिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का ही एक एप्लीकेशन, इसको मान सकते हो आप। कैसे कैसे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज इक्वलिटी, इट इज द इक्वलिटी विच सेटिस्फाइंग फॉर all the value of its variable. यानी कि identity क्या होती है, एक equality होती है, और उसमें जितने भी हमारे variables हैं उनकी कोई सी भी value के लिए वो क्या करती है, satisfy होती है। तो आइडेंटिटी क्या है, एक इक्वलिटी है, और वो इक्वलिटी जो वेरिएबल्स है उसकी ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि भाई a प्लस बी होता है, इसको हमको a प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते थे भाई, a को a के साथ किया तो a स्क्वायर आ गया, फिर a को b के साथ किया तो ab आ गया, ये दोनों हो गए। अब इसके b को a के साथ करेंगे तो चाहे तो ba कहो चाहे ab कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो एल्जेब्रिक जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, यानी उनका जो सीरियल ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो ba कहो चाहे ab कहो। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ab लिख देते हैं, फिर b को b के साथ किया तो b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी, इसकी पावर वन है इसकी पावर वन है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, पावर वन वन ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम हो गए तो पावर ऐड हो गई, और इधर अगर हम करें तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। कैसे, इसको इक्वलिटी क्यों कहा, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो ये एक ऐसी इक्वलिटी है, चाहे आप a की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 रखो, b की वैल्यू कुछ भी रखो, ये इक्वेशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई हो। तो यानी हर वैल्यू के लिए ये जो हमारी इक्वलिटी है ये सेटिस्फाई करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, इक्वेशन भी पढ़ेंगे, तो इक्वेशन तो क्या होता है, कुछ वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है तो एक वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आ सकती है उसकी, और अगर जो हमारा क्यूबिक अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी थ्री वैल्यूज आ सकती है। तो लेकिन जो हमारा आइडेंटिटी होता है वो कितनी भी वैल्यू रख लो वेरिएबल्स की, वो हमेशा क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। और ये मल्टीप्लीकेशन का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हुआ है, फ्रेम हुआ है। तो याद रखिएगा ये हमारी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी कौन कौन सी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम में पूछी जाती है उनकी हम अभी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि सबसे पहली आइडेंटिटी जो थी हमारी, वो अभी जो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने अभी आपको डिस्क्राइब किया था वो थी। तो आपने देखा अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू। मैंने 2ab को इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी टर्म को कहीं भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमारी दूसरी आइडेंटिटी आती है, अगर a माइनस बी को मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप जब इसको करोगे तो आपकी जो आइडेंटिटी आएगी वो ये आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या साइन आ जाता है, माइनस का 2ab, ये माइनस के 2ab आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरी आइडेंटिटी है। इसके बाद अगर स्टूडेंट मैं तीसरी आइडेंटिटी की बात करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यानी ये तीसरी आइडेंटिटी है। अगर आपको लगता है कि सर कैसे आ गई, तो आप दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, ए को बी से किया तो माइनस का ए बी, बी को बी ए से किया तो प्लस का ए बी, और b को b से किया तो माइनस का b स्क्वायर। आपने देखा प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी होती है, तीसरी आइडेंटिटी है जो a और b की हर वैल्यू के लिए क्या करती है, सेटिस्फाई
होती है। तो ये तीसरी आइडेंटिटी थी। इसके बाद हम और भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम इन दोनों के जो आइडेंटिटी है इनके एप्लीकेशंस की डिस्कस करेंगे सबसे पहले, कि कौन कौन से इनके एप्लीकेशन होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मान लो इसको मैं वन कह दूं और इसको आइडेंटिटी टू कह दूं, सबसे पहली बात, पहला एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका। देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो आपको पता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों टर्म ऐड हो गई। और इधर जब इनको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर होगा तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो इन दोनों का जो प्लस आएगा वो ये आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है हमको। कैसे मिल गया देखिए, सपोज कीजिए इसका यूज कहाँ करेंगे, हमने निकाल लिया कि भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक नई आइडेंटिटी हमें प्राप्त हो जाती है, और वो है अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका यूज क्या होगा, तो देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में दो वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी बराबर 10 दे रखा है और a माइनस बी बराबर 2 दे रखा है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछे कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ऐसा तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं, तो हमने इसके जो इन दो आइडेंटिटी के प्लस करने पर हमने एक नई आइडेंटिटी बना ली, भाई a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो हम इस आइडेंटिटी को लगा देंगे, भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, प्लस करना है a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर, और 2a स्क्वायर b स्क्वायर हमें क्या है चाहिए, तो इस पर अच्छी चीज रख लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 इधर लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया, और ये हमारा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, तो ये 104 और 104 इस 2 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 से ये 52 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा 52 हो जाएगा। तो जब भी आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए और क्वेश्चंस में आपको a प्लस b या a माइनस b दे रखा है, तो हम इन दोनों आइडेंटिटी की फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। उसमें हमने देखा कि a प्लस b और a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो जब भी आपको a स्क्वायर b स्क्वायर फाइंड आउट करना है और आपको क्वेश्चन में a प्लस b और a माइनस b दे रखा है, तो हम इस वाले एप्लीकेशन का यूज करेंगे हमेशा। स्टूडेंट ये हमारा पहला एप्लीकेशन था। अब हम दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इनका, कि भाई इन आइडेंटिटी से और कैसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा हम इनके माइनस से बना सकते हैं, कि भाई फर्स्ट में से सेकंड को अगर माइनस कर दें तो क्या होगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। आप माइनस करोगे तो भाई ये माइनस तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा तो कट जाए कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो 2ab हो जाएगा, ऊपर भी 2ab नीचे भी 2ab, तो ये कितने हो जाएंगे 4ab। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे अब आपको ab की, मान लो आपको a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, ab की वैल्यू फाइंड आउट करिए, नया एप्लीकेशन है, थर्ड सेकंड एप्लीकेशन है इनका। आपको दे रखा था जैसे a प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी थी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 दे रखी थी, और आपको पूछा जाए कि ab की वैल्यू बताओ, तो आप किस तरह से बता सकते हो, भाई 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4ab। तो यहां से देखिए 96 रह गए और 96 4ab, इस 4 से ये 96 कितने टाइम कट जाएगा 24 टाइम, तो ab इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 24 आ गया। तो इस तरह से हम यहां से ab क्या कर सकते हैं
फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको क्वेश्चन में अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो हम सीधी आइडेंटिटी ये एप्लीकेशन लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी a b की वैल्यू हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इनको प्लस करके भी नॉर्मली a प्लस बी और a माइनस बी को प्लस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं इसीलिए ऐसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे दो एप्लीकेशन थे इसके। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो b ऐसे निकालेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है तो स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन करके निकालेंगे। अब हम तीसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं इसके, आइडेंटिटी का तीसरा एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन देखिए क्या है, पहली आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, मुझे सपोज कीजिए ये चाहिए, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरा जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट अगर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, और चौथी आइडेंटिटी एप्लीकेशन क्या बन सकता है इसका देखिए, दूसरी आइडेंटिटी से हम बना सकते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। अगर हम इसको इधर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है। अगर आपको a प्लस बी और ए बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी और ए बी की वैल्यू दे रखी है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी और ए बी की वैल्यू दे रखी है तो ये वाली यूज करेंगे, और a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो हम इससे जो पहले जस्ट अभी पहली आइडेंटिटी बताई थी उसकी बात करें। तो इस तरह से हम a प्लस बी का स्क्वायर तीन तरीके से निकाल सकते हैं, वन टू और जो अभी पहले बताया था थ्री मेथड। तो थ्री मेथड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फाइंड आउट करने के, डिपेंड करता है हमें गिविंग क्या है। अगर a प्लस बी और a बी दे रखा है तो ये यूज, a माइनस बी a बी दे रखा है तो ये यूज करेंगे, और अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो पहले वाली हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे सपोज कीजिए आपको a प्लस बी, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था 10 दे रखा है, a भी हमारा 24 आया था, ये दो दे रखे हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी 48, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 48 गए तो 52 बच गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 52 आ जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में a माइनस बी दे रखा है और a बी दे रखा है, आपसे कहा जाए कि भाई a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माइनस बी कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 24 तो 4 प्लस 48 तो क्या हो जाएगा 52, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 52। तो आपको इस थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन से ये पता लगा, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, अगर a प्लस बी दे रखा है तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अगर a माइनस बी दे रखा है तो इस वाली का, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की वैल्यू दे रखी है तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से a स्क्वायर b स्क्वायर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए हम इन तीनों आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फोर्थ एप्लीकेशन था इसका। अभी और देखिए हम दो एप्लीकेशन और यहां पे फ्रेम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं देखिए। अभी हमने दोनों को प्लस भी कर लिया माइनस भी कर लिया, इनको ट्रांसफर करके भी देख लिया, अब हम एक नई एप्लीकेशन यहां से फ्रेम कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे फ्रेम करना है कि क्या होगा, तो देखिए क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू यही होता है भाई, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर मान लीजिए मैं इसमें से माइनस के 4ab कर दूं, क्या कर दूं माइनस के 4ab, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर से माइनस 4ab किया है तो इधर से भी करना पड़ेगा,
अगर मैंने दोनों साइड से माइनस का 4ab कर दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब प्लस के 2ab माइनस के 4ab क्या हो जाता है, माइनस के 2ab हो जाता है। और इधर क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आंसर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस आइडेंटिटी का यूज हम कहां करने वाले हैं, जब हमको a प्लस b वैल्यू दे रखी है और a भी दे रखी है और हमें क्या निकालना है, a माइनस b की वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए a प्लस बी आपके क्वेश्चन में 10 है, ए बी आपका 24 है, तो अब हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 ए बी, 4 को जब 24 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है कितना बचेगा, अच्छा 4 रिमाइंडर रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में a प्लस बी गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है और a माइनस बी निकालना है, तो हम इस एप्लीकेशन की ये सॉरी इस आइडेंटिटी की इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी थी जो हमने फेल की थी। अब हम बात करते हैं सिक्स आइडेंटिटी का, तो सिक्स आइडेंटिटी किससे बनाएंगे, हम इस वाले से। कैसे बनाएंगे, हमें पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab होता है। अगर मैं दोनों साइड में 4ab जोड़ देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab हमने ऐड कर दिए इधर। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और इधर हम क्या ले लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो आपने देखा ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4ab। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी फ्रेम हो गई है, यानी सिक्स्थ एप्लीकेशन है। तो सिक्स एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और ab की वैल्यू गिवन है तो a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए a माइनस बी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, ab की वैल्यू हमें 24 दे रखी है, तो हम a प्लस बी निकाल के देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ab की वैल्यू 24 इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे करते हैं, 4 प्लस 96 100 हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट और इधर क्या हो जाएगा 10, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ये हमारी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं और ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई, सिक्स्थ एप्लीकेशन हो गई, इससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। यानी कि हमने अभी तक दो आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इससे फ्रेम होने वाली सिक्स एप्लीकेशन का हमने क्या किया, यहाँ पे स्टडी की है। तो इन सिक्स आइडेंटिटी से जो सिक्स एप्लीकेशन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आते हैं। अब मैं आपको जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक की बात करता हूं आइडेंटिटी में। आजकल इस वाले कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इस पैटर्न पे आते हैं। देखिए कौन सा, अभी तो हम a प्लस बी पढ़ रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हम पढ़ेंगे a b की जगह क्या आएगा 1/a, b की जगह क्या रख दिया 1/a, इस तरह से आता है। तो हमें पता होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और क्या होता है 2 होता है। कैसे होता है देखिए, a स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab, तो a क्या होने, a और b कौन है 1/a, तो a से a क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो जो हमारी आइडेंटिटी बनती है वो ये बनती है, ठीक है स्टूडेंट। अगर a माइनस 1/a की बात करें, स्क्वायर करें, तो यहाँ पे क्या बनती है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बनती है।
तो याद रखिएगा ये मेन हमारी दो एप्लीकेशन है आइडेंटिटी की, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की, ये दो एप्लीकेशन है। इनसे भी इनसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आजकल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी हम कितने तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, 6 तरह के। सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करके, फिर सब्ट्रैक्शन करके, फिर हमने जो बनाया था ट्रांसफर करके दो आइडेंटिटी 4, और फिर दो आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं इसमें हम प्लस माइनस, प्लस कर माइनस करके और प्लस करके, तो 6 आइडेंटिटी, 6 एप्लीकेशन हम इनकी बना सकते हैं। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आते हैं। तो अब मैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो इनसे जो रिलेटेड आइडेंटिटी बनती है उनको आप फ्रेम करके देखिएगा एक बार। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं आपको इनको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। अब हम तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। जो तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी कौन सी थी, जो हमने बीच में छोड़ दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको बाद में यही मिलेगा। फोर्थ आइडेंटिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास ट्राइनोमियल हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, तो हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे, प्लस टू ए बी बी सी और सी ए। तो ये हमारी थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी होती है। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट, इस a प्लस बी को a की मान लोगे, प्लस c को दूसरा मान लोगे, और इसका स्क्वायर लेंगे, इसको a मान लोगे या x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस y का होल स्क्वायर, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी। अब हम फिफ्थ, इसको आइडेंटिटी तो नहीं कहेंगे फिफ्थ नंबर पे जो है, लेकिन आइडेंटिटी कह भी सकते हो। तो जैसे मान लीजिए x प्लस ए है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आप ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये याद रखिएगा। यानी कि इस तरह के जब भी मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेंगे, ये है तो मल्टीप्लाई क्योंकि आइडेंटिटी भी मल्टीप्लाई होती है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसकी आइडेंटिटी ये फ्रेम होती है। याद रखिएगा अगर ये माइनस का ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बी माइनस ए एक्स हो जाएगा और माइनस का ए बी आ जाएगा। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे ए माइनस बी, यानी साइन रूल चेंज हो जाएंगे, यानी कि साइन मल्टी, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स प्लस ए और x माइनस बी ले लिया, यानी साइन चेंज कर दिया, तो आपको पता है मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x को मल्टीप्लाई किया तो x को a के साथ किया तो बी एक्स आ गया माइनस का, a को x के साथ किया तो ax आ गया, और a को b के साथ किया तो माइनस का ए भी आ गया। यानी कि हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस a माइनस बी एक्स और माइनस का ए, इस तरह से फ्रेम हो जाएंगे। तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगर ये माइनस का है तो ए माइनस बी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा। अगर ये माइनस का हो गया तो ये बी माइनस ए लिख देंगे और ये माइनस का ही रहेगा। अगर यहाँ पे दोनों माइनस के हो जाएं तो यहाँ पे माइनस आएगा ए प्लस बी एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करके देखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे जो नाइन्थ सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी में जो लेवल होता है वो यही होता है, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और क्यूब वाले नहीं आते हमारे एग्जाम में। तो हम मोस्टली इन्हीं की चर्चा करेंगे यहाँ पे, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी हमने जस्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी एप्लीकेशन ए, इस तरह की a प्लस वन अपॉन ए, यानी a और b, ये वाले की जो हमारी आइडेंटिटी बनी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू, और माइनस वाले में क्या बना था, सॉरी वन अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू।
ये जो हमारी आइडेंटिटी है इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, और इससे एप्लीकेशंस जो फ्रेम होती है उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा आप, पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू फोर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस टू, तो क्या आ जाएगा 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर पूछा है, तो फिर दोबारा से हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस का क्या आएगा टू आएगा, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो यहाँ से एक्स की पावर फोर वन अपॉन एक्स की पावर फोर टू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 196 में से अगर टू जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 194, तो ये हमारा 194 आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको ऐड करके दोनों साइड्स और जो इधर का टू था उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रिलेटेड ही ये सारी आइडेंटिटी है, बस हमने बी को किससे बी के जगह क्या रख दिया, हमने वन अपॉन ए रख दिया, ये हमने चेंजेज इसमें। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, तो टू में देखिए इफ एक्स प्लस वन सॉरी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू नाइन दे रखा है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो देखिए हम क्या कर देंगे, इसका दोनों टू साइडेड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू आएगा इक्वल्स टू 81, माइनस के टू आएगा सॉरी, क्योंकि जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आता है, तो ए बी से तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इन टू वन अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू बचेगा। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो 83 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारा टू का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27 हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट जो फाइंड आउट करना है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का टू होता है, हमें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है इस वाले पार्ट की, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 27 प्लस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर क्या आ गया 29 आ गया, क्या आ गया 29, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 29 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें थर्ड में x प्लस x की चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 29 हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, इसी के सेकंड पार्ट में हमें x माइनस x की वैल्यू पूछी है, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे भाई, x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछे तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर और माइनस के 2 होते हैं, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 27, 27 प्लस 2 जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 का जब हम इधर से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस 5 आता है, देखिए आप कर सकते हो 5 इंटू 5 करोगे तब भी 25 आएगा, माइनस 5 इंटू 5 करोगे तो तब भी 25 आएगा, इसलिए जो वैल्यू आती है वो किस में आती है अंडर रूट की, प्लस माइनस में आती है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं स्टूडेंट, ये हमारी आइडेंटिटी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली का है, तो देखिए हमारा क्या है, x माइनस वन अपॉन x और x प्लस वन अपॉन x और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको हमको मल्टीप्लाई करना x की पावर फोर वन अपॉन x की पावर फोर के साथ। सबसे पहले ये देखिए ये a है, ये माइनस का b और ये क्या है a प्लस, तो हमें पता है a प्लस b और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया इन दोनों के मल्टीप्लाई से।
अब इसको हमें किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो देखिए दोबारा से ये a माइनस बी और ये a प्लस बी दोनों से करेंगे, फिर x x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 माइनस एच टी जाएगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस का x की पावर 4। फिर इसको हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो फिर दोबारा से a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 यानी x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 8 और माइनस x की पावर 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी थी फोर्थ नंबर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है 20। तो फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये फाइंड आउट करना है। देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी और सी ए, ये पढ़ा था हमने। तो अब क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें 20, ये दे रखा गिवन है यहाँ पे हमें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है तो जीरो का स्क्वायर, और इधर हमारा क्या दे रखा है 2 ए बी बी सी और सी ए, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा तो 20 आ गया और 2 ए बी बी सी और सी ए इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 20, इधर क्या बच गया 2 ए बी बी सी सी ए, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से ये माइनस 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए बी बी सी और सी ए ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th और RIMC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा एलजेब्रा का सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन देखा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, चाहे वो मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कोई सा भी कितने भी टर्म वाला अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है उसका मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। और जो दूसरा हमने पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन से जो हमारा नया टॉपिक आता है आइडेंटिटी, उसके बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे हमने ए टू बी टू वालों का ही किया सिर्फ, ए टू बी टू मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर वालों का, क्योंकि हमारे 9th स्टैंडर्ड पर इसी लेवल से क्वेश्चन आते हैं और उनसे रिलेटेड हमने आइडेंटिटी पढ़ी और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़े और ये सारे एप्लीकेशंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।